हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। आज हम लोग बात करेंगे स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 वॉल्यूम 2 की। देखो यार, इस चैनल पे आपको स्ट्रेंजर थिंग्स, पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन और हैरी पॉटर का एक भी रिव्यू वीडियो नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीजें जो मेरे दिल के बहुत करीब है और मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं इन पर वीडियोस बनाऊंगा तो आपको एक रिव्यूअर का एक फैन ज्यादा सुनाई देगा, तो इसलिए मैं कभी भी वीडियोस नहीं बनाता। लेकिन आज फाइनली स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 वॉल्यूम 2 के बारे में हम लोग बात करेंगे, तो ये एक स्पॉइलर फ्री रिव्यू हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। खैर बात करेंगे तो देखो, दो ही एपिसोड्स हैं, एपिसोड 8 और एपिसोड 9। एपिसोड 8 की लेंथ थी 1 आवर 25 मिनट और एपिसोड 9 की 2 आवर 22 मिनट्स। इनफैक्ट एपिसोड 9 को तो थिएटर में रिलीज कर सकते थे। क्या गजब का एपिसोड था मेरा भाई, एज अ फैन मैं बोल रहा हूँ, बहुत ही ऑसम एपिसोड था। 8 एपिसोड वहीं से शुरू होता जहां पर 7 एपिसोड खत्म होते हैं, यानी कि नैन्सी को बंदी बना लिया था वेकना ने, और साथ साथ इस पर्टिकुलर एपिसोड में वेकना की आइडेंटिटी भी रिवील हुई। लेकिन यहां पर पहली बार ऐसा हुआ है कि वेकना के हाथ में कोई शिकार आया और वेकना ने इसे छोड़ दिया, और इस पर्टिकुलर सीन को देखकर मुझे वो जा सिमरन जा वाली चीज याद आ गई कि जा नैन्सी जा, तुझे छोड़ दिया, लेकिन आगे हॉकिंग्स वालों के साथ क्या होने वाला उसकी झलक उसको दिखा देते हैं। वही दूसरी तरफ हमें फील माइक और जोनाथन नजर आते जो कि ढूंढ रहे 11 को, और 11 है डॉक्टर बैनर्स की लैब में। अलावा जो रशियन एंगल है, यानी कि अपने हॉपर और जॉयस किसी भी तरह से अमेरिका वापस रिटर्न आना चाहती है वहां से, और अब हॉकिंग्स में कैसे मैक्स, डस्टिन, नैन्सी, स्टीव और एडी मिलकर वेकना के प्लान की पूरी तरह से बजाने वाले। इसके बाद कहानी में क्या होता है ये सब कुछ जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 वॉल्यूम 2। देखो यार, ये कुछ ऐसे शोज में से एक है जिसके स्पॉइलर किए बिना आप रिव्यू कर ही नहीं सकते। लेकिन एक ही चीज बोलूंगा कि विजुअली इतना ज्यादा स्टनिंग लगा मुझे ये शो कि जिस पर आप भी एग्री हो सकते हो, और ये उन शोज में से एक है जो आप देख के बड़े हुए हो, और एज अ फैन मतलब मैं तो पूरी तरह माइंड ब्लोन हो गया भाई। के लव शो में जिस तरह से वो पैरेलल अलग अलग स्टोरी लाइन हमें देखने को मिली और कैसे उनको एंड में एक साथ लेके आए हैं, क्या बोलूं यार, आज तो भाई वर्ड्स कम हो रहे हैं। के अलावा जिस तरह से हमारी एल यानी कि 11 की पावर आई है, वो इस पर्टिकुलर डार्क शो को और भी एक अलग लेवल पे लेके चले आता है, और साथ साथ शो में कुछ ऐसे इमोशनल मोमेंट्स देखने को मिलेंगे जो आपके दिल को पूरी तरह से तोड़ देंगे। इमोशन से याद आया दो ऐसी चीजें जो शो में मुझे बहुत अच्छी लगी। सबसे पहले तो भाई विल, इस पर्टिकुलर कैरेक्टर को जिस तरह से आगे बढ़ाया है, मैंने तो कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन इन कुछ ऐसे ब्यूटीफुल मोमेंट्स है जहां पर विल कैरेक्टर आपका दिल पूरी तरह से जीत लेगा। एक और सीन जो मुझे बहुत प्रेशियस लगा वो है स्टीव जब नैन्सी को अपने सपने के बारे में बताता है, वो तो मतलब यार मोमेंट ऑफ द शो था। शो की अगर म्यूजिक की बात करूं तो एक सीन जो मुझे याद आ रहा है जब एडी वो जो गिटार बजाता है एपिसोड 9 में, रोंगटे खड़े करता है भाई वो सीन, रोंगटे। और 80s के जितने भी म्यूजिक है वो आप थ्रू आउट द शो अगर फर्स्ट सीजन से देखोगे तो अभी तक के मतलब इसका म्यूजिक इसकी बहुत ही बड़ी स्ट्रेंथ रही है। के अलावा जो शो का क्लाइमैक्स है, हर एक कैरेक्टर को अपना एक मोमेंट दिया। सिनेमेटोग्राफी, VFX तो भाई सीजन 1 से ही आउटस्टैंडिंग थे, और सीजन 4 में भी उन्होंने बिल्कुल भी निराश नहीं किया। और इसके साइकोलॉजिकल हॉरर एलिमेंट्स की बात करूँ तो वो तो हमेशा से लाजवाब था, लेकिन वेकना के कन्फ्रंटेशन के बाद ये एक अलग ही लेवल पर चले जाता है यार। और मतलब जितनी तारीफ कर रहे स्ट्रेंजर थिंग्स की उतनी कम है भाई, क्या बोलूं यार, मैं क्या बोलूं मुझे समझ में नहीं आ रहा। एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करो, ली बॉबी ब्राउन ये सबको पीछे छोड़ दी थी, लेकिन उसके अलावा एक्टर्स ने भी भाई अपनी जान लगा दी। और जिस डायरेक्शन के तो मैं एक ही चीज बोलूंगा कि डफर ब्रदर्स ने, बोलते नाम डफर है लेकिन काम लोग ने भाई बहुत ही गजब का किया है यार, मजा आ गया। मतलब ये उन शोज में से एक है जो हमारे करीब रहेगा, मुझे ऐसा लगता है कि सीजन 5 अब कुछ बवाल चीज होने वाली, और ऐसी बवाल चीज होने वाली जिसके लिए बारे में वेकना ने बोला कि ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। अब तुम सोचो कि वेकना जब वापस आएगा तो क्या तबाही मचाएगा। फिलहाल तो सीजन 5 का वेट करेंगे, और मुझे ये शो बहुत अच्छा लगा, आपको कैसा लगा वो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आप लोग चाहोगे कि मैं सीजन 1 से लेकर सीजन 4 तक के अपना ओपिनियन शेयर करूँ कि यार मुझे कौन कौन से मूवमेंट्स अच्छे लगे, तो वो भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। पेरेंटल गाइडेंस में इतना ही बोलूंगा, देखो इसमें आपको गजब के मॉन्स्टर देखने को मिलेंगे, कुछ किसिंग सीन्स देखने को मिलेंगे जो कि आप लोग थोड़ा बहुत समझ के चल लेना यार। मैं शो को रेटिंग दूंगा 10 out of 10, ये शो रेटिंग्स के कहीं ज्यादा ऊपर है यार, क्योंकि इनको देखकर हम बड़े हुए। और ही बोलूंगा आपको, यहाँ पर रिव्यूअर कम फैन ज्यादा नजर आया होगा। तो बस बाय।